स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स, हम अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे हमने इकोलॉजी का सिलसिला शुरू किया था। इकोलॉजी के अबाउट टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू किया था और हमने जनाब बात शुरू की थी किसके अबाउट, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस के अबाउट बात की थी, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के अबाउट बात की थी। और हमने जहां पर डिस्कस किया था प्रेडेशन को, वहीं पर म्यूचुअलिज्म को भी शुरू किया, उसको भी डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में, अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी में, कमेंसलिज्म पे, कौन से इंटरेक्शन पे, सीपीसी रिलेशन जो इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म, उस पे बात करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको रिकमेंड भी करें मेरे चैनल के अबाउट। तो हम बात करते हैं जनाब कमेंसलिज्म के अबाउट। कमेंसलिज्म क्या है? कमेंसलिज्म, हमने इंटर स्पेसिफिक रिलेशन की बात की थी, इंट्रैक्शन की बात की थी, अब हम बात करने जा रहे हैं कमेंसलिज्म में। कमेंसलिज्म दो स्पीशीज के माबैन, दो स्पीशी के अरकान के माबैन पाया जाने वाला वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीशी के अरकान जो है आपस में रिलेशन तो रखते हैं, आपस में इंट्रैक्शन तो रखते हैं, मगर वो जो इंट्रैक्शन है, वो जो रिलेशन है, वो इंट्रैक्शन, उसमें एक ऑर्गेनिज्म तो फायदा उठा रहा होता है जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म ना तो फायदा उठाता है ना ही नुकसान उठाता है। मतलब ये है कि एक इस कमेंसलिज्म में दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उस दो में से, दो ऑर्गेनिज्म में से क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट लेता है जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ना तो ही हार्म उसको होता है, ना ही को नुकसान होता है और ना ही उसको बेनिफिट होता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप तो है मगर जो है दोनों को ना तो फायदा हो रहा है, दोनों को ना तो नुकसान हो रहा है। मतलब ये कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म फायदा उठाता है जबकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फायदा या नुकसान नहीं उठा रहा होता, वो बगैर किसी फायदा के, बगैर किसी नुकसान के, वो दूसरी स्पीशी के अरकान के माबैन या रुकन के माबैन जो है वो अपना एक रिलेशन कायम किए हुए होता है, इंट्रैक्शन कायम किया होता है। अब इस कमेंसलिज्म को कॉमनली इसको अपोजिटली लिया जाता है म्यूचुअलिज्म के, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में वो रिलेशनशिप है स्पीशीज का, वो इंट्रैक्शन है जिसमें बोथ ऑफ द मेंबर ऑफ स्पीशीज वो फायदा उठा रहे होते हैं, दोनों मेंबरान जो हैं वो स्पीशीज के वो फायदा उठा रहे होते हैं, दोनों को फायदा होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइकन्स की बात की थी या फिर हमने बैक्टीरिया की बात की थी जो कि रूट नोड्यूल्स में पड़े होते हैं, सो ऑन, दोनों फायदा उठा रहे हैं। प्लांट और इंसेक्ट्स की रिलेशन की बात की थी जिसमें एक पोलिनेशन करवा रहा है तो दूसरा अपना नेक्टर ले रहा है, दोनों को फायदा है। मगर यहां पे क्या है, दोनों में से एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही फायदा होता है। अब इसकी अगर कमर्शियलिज्म की टाइप्स को देखा जाए तो इसकी कमर्शियलिज्म की तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी पहली टाइप जो है फोरेसी है। अब इससे पहले कि मैं इसके आगे चलूं टाइप पे, मैं इसकी कमर्शियलिज्म की एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे एक फिश है, रिमोरा फिश है, कौन सी फिश है जनाब, रिमोरा, रिमोरा फिश है। इसका काम क्या है कि ये इसकी इंटीरियर साइड पे, मुंह वाली साइड पे सकर्प लगे हुए हैं, डिस्क लाइक शेप है, वो अपनी डिस्क लाइक शेप के जरिए उस बड़ी फिश के साथ वो क्या करती है, अपने आप को अटैच कर देती है। ये रिमोरा फिश क्या करती है, बड़ी फिश जो है उनके साथ अपने आप को उस डिस्क शेप जो मुंह है उसके जरिए वो अटैच कर लेती है, उसके साथ सकर के जरिए अटैच हो जाती है। जब उसके साथ अटैच हो जाती है तो जैसे बड़ी फिश ट्रेवल करती है, एक तो ये उसके साथ ट्रेवल भी करती है, उसकी ट्रांसपोर्ट इजी हो जाती है, उसकी एनर्जी बच जाती है, दूसरा ये कि बड़ी फिश जब खाती है तो उसके जो खुराक है उसके बाकियात को ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब एक कि इसको खुराक भी मुयसर आ रही है, दूसरा ट्रांसपोर्ट फ्री में मिल रही है, लेकिन जो बड़ी फिश है उसको ना तो इसके होने का कोई नुकसान है क्योंकि ये उसकी खुराक तो खा नहीं रही है, उसके बाकी मदा खुराक को इस्तेमाल कर रही है और उसके साथ ट्रेवल कर रही है, उसको कोई इसका फायदा नहीं हो रहा, ना उसको कोई बड़ी फिश को फायदा हो, जैसे बड़ी फिश शार्क वगैरह हो सकती है उनको कोई या वेल हो सकती है, उनको ना तो कोई नुकसान है
ना ही कोई फायदा है। मगर ये रिमोरा फिश जो है वो क्या है, फायदा उठा रही है। तो ये कमेंसलिज्म का बिहेवियर है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। अब इसकी मैंने बोला कि तीन टाइप है, तीन टाइप में पहली टाइप है उसकी फोरेसी। अब फोरेसी में है, मैंने फोरेसी वो कमेंसलिज्म का टाइप है जिसमें हम बात करते हैं कि एक स्पीशी का रुकन जो है वो दूसरी स्पीशी का रुकन से ट्रांसपोर्ट के मानी में फायदा उठा रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से फायदा उठा रहा होता है। मोस्टली इंसेक्ट में ये भी ये बिहेवियर पाया जाता है कि वो अपने आप को किसी दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। किसी दूसरे के साथ अटैच करने के नतीजे में क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और जिस होस्ट के साथ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस होस्ट को उनकी ट्रैवलिंग की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ना ही कोई फायदा हो रहा होता है, लेकिन इंसेक्ट्स जो हैं वो उससे फायदा उठा रहे होते हैं और वो अपनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। ये कमेंसलिज्म में आता है। कमेंसलिज्म की कौन सी टाइप है, फोरेसी है। अब दूसरी टाइप जो बात कर रहे हैं कौन सी है, इंकुलिनिज्म है। इंकुलिनिज्म है, इंकुलिनिज्म में क्या है, इसमें जो है एक जो स्पीशी का रुकन है वो दूसरी स्पीशी से फायदा उठाता है, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उसके साथ ग्रो कर रहा है। कैसे, अब जैसे कि एपीफेटिक प्लांट से, एपी स्टैंड्स फॉर अपॉन, ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का वर्ड है, इसका मतलब है अपॉन, फाइटस स्टैंड्स फॉर, फाइटन से निकला है, फाइटन स्टैंड्स फॉर प्लांट, एपी स्टैंड्स फॉर अपॉन, एपी स्टैंड्स फॉर अपॉन एंड फाइटन स्टैंड फॉर प्लांट। क्या है कि ये प्लांट जो है, एक स्पीशी के प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट पर पाए जाते हैं, और दूसरे प्लांट पर पाए जाते हैं तो ये फिर अपने न्यूट्रिएंट्स अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है, तो मॉइस्चर कैच करते हैं, या फिर अपने न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, या अपने नाइट्रोजन साइकिल को इस्तेमाल ग्रो कर लेते हैं, जो भी करते हैं, मगर ये क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, और उसके नतीजे में कुछ, अब यहाँ पे कुछ जो है शुबहात भी हैं कि अगर वो उस पर ग्रो कर रहे हैं अल्टीमेटली भाई उनसे भी कुछ खुराक ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं बताता चलूं कि कुछ शुबहात हैं, मगर बावजूद इसके कि वो वहां पे ग्रो कर रहे हैं और जो दूसरा प्लांट है उसकी ग्रोथ को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टंट नहीं हो रही है, वो अपने ग्रोथ करता जा रहा है, मगर ये क्या है कि वो प्लांट उस पर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, एपीफाइटिक प्लांट है। या फिर बर्ड्स की बात करें तो जो दरख्त हैं, दरख्तों में कोई होल होता है, कोई सुराख होता है, तो वो बर्ड्स आते हैं, वो उन सुराखों में अपना जो है वो घोंसला बना देते हैं, वहां पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अब उन घोंसलों का, उन सुराखों का, उन होल्स का ट्रीज को ना तो कोई फायदा था ना कोई नुकसान था, लेकिन वो खाली थे और उनका फायदा उठा लिया किसने, बर्ड्स ने उठा लिया, और बर्ड्स ने क्या किया, उन घोंसलों को अपना जो है वो मस्कन बना लिया, हैबिटेट बना लिया, और वहां पे उन्होंने अपना घोंसला बना के रहना शुरू कर दिया। तो ये बिहेवियर क्या कहलाता है, इंकुलिनिज्म है, कमेंसलिज्म की टाइप है, इंकुलिनिज्म है, ऐसा रिलेशनशिप इंट्रैक्शन जो है इंकुलिनिज्म है। उसके बाद क्या है, मेटाबायोसिस। मेटाबायोसिस में क्या है, मेटाबायोसिस कमेंसलिज्म की वो टाइप है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिहाइश फराम करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिहाइश फराम करता है। कैसे, वो कैसे उसको रिहाइश फराम करता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि गैस्ट्रोपोड है, अब गैस्ट्रोपोड जो है वो मर जाता है, जब वो मर जाता है उसके शेल पड़े हुए, वो शेल बेकार है, किसी खाते के नहीं है, मगर वो गैस्ट्रोपोड्स के जो शेल पड़े हुए हैं वो खाली नहीं रहते। और दूसरा क्या है, हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब क्या करता है, ये उन शेल्स को ढूंढता है, उन शेल्स को तलाश करता है जिनमें, जो शेल्स थे जिनमें गैस्ट्रोपोड जो है वो गुजर चुके थे और उनके शेल्स बाकी पड़े हुए थे, ये उन शेल्स को ढूंढते हैं, और उन शेल्स को ढूंढने के बाद उन शेल्स में अपने आप को बसा लेता है, छुपा लेता है, मतलब उन मुर्दा गैस्ट्रोपोड्स जो हैं उनके जो शेल्स हैं उनको इस्तेमाल करता है, उनमें अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, उससे फायदा उठा रहा है। अब उन गैस्ट्रोपोड्स के शेल का ना तो फायदा हो रहा है गैस्ट्रोपोड्स को, ना उसको नुकसान हो रहा है, उन्होंने तो शेल छोड़ दिए अपने, वो चाहे उन्होंने अपने शेल छोड़ दिए, जब वो शेल छोड़ दिए हैं तो उसको फायदा कौन उठाएगा, हर्मिट क्रैब उठाएगा, और नतीजतन जो है उस इस ऐसे रिलेशनशिप को भी जो है वो कमेंसलिज्म की टाइप है। और कमेंसलिज्म की कौन सी टाइप है, इसे क्या कहा जाता है, मेटाबायोसिस कहा जाता है। अगेन मैं बताता चलूं कि जनाब हमने आज डिस्कस किया कमेंसलिज्म को, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा है, दूसरा ना फायदा उठा रहा है ना नुकसान उठा रहा है। तीन टाइप कौन सी, फोरेसी,
जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसपोर्ट ले रहा है, इनकुलिनिज्म है जिसमें हमने देखा है कि बर्ड्स जो है वो ट्रीज के जो होल्स हैं उनमें रिहायश पजीर हो रहे हैं। मेटाबायोसिस जो है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को रिहायश दे रहा है, जैसे गैस्ट्रोपोड्स के शेल हैं उनको जो है वो हर्मिट क्रैब जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिन लोगों को जनाब मेरा लेक्चर वीडियो लेक्चर पसंद आया वो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।